दिल्ली सुप्रीम कोर्ट द्वारा कावड़ मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर नेम प्लेट प्रदर्शित करने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर रोक लगाने पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ये फैसला बहुत गलत था, जिस पर सरकार ने रोक लगाकर स्वागत योग्य काम किया है। देखिए, फैसला बहुत गलत था और मुझे खुशी है माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस बात को कभी नहीं देख सके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, देश की जो संविधान की मूल भावना उसके विरुद्ध कोई काम हो। ये बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं, जिसको माननीय न्यायालय ने स्टे लगा के, रोक लगा के बहुत स्वागत योग्य काम किया। आज जनपद आजमगढ़ में जनपद मंडल की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली। मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की गई, कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। हर जिले हर मंडल का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश अंसारी। देखिए, आज जनपद आजमगढ़ में जनपद मंडल की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली, जिसमें आजमगढ़ मंडल के जो 3 जनपद है, आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये सभी लोग हम लोग शामिल हुए। इस मंडल के विकास के लिए तमाम जो समीक्षा ली गई, इस मंडल के जो जितने भी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, विकास के काम चल रहे हैं, कानून व्यवस्था के की समीक्षा की गई। साथ ही साथ यहाँ पे एक संगीत विद्यालय बन रहा है, महाविद्यालय, उसके भी निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग गए। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का हर मंडल हर जिले का विकास, ये हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता है। रायपुर बलौदा बाजार हिंसा पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, कानून व्यवस्था की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार अच्छा काम कर रही है। बलौदा बाजार की घटना को लेकर हमें बहुत दुख है, लेकिन उसमें षड्यंत्र किया गया है, जांच जारी है। अभी ऐसी बात कहना अलग बात है, 6 महीने हुए हैं सरकार को बने, इससे पहले इन्हीं की सरकार थी, उस सरकार में क्या कैसा था सबको ध्यान है अच्छे से। लॉ एंड ऑर्डर की दिशा में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। बलौदा बाजार की एक घटना है जिस पर बड़ा दुख है, परंतु उसमें षड्यंत्र है और षड्यंत्र में कौन है, क्या है, इसकी जांच भी जारी है। तेलंगाना में संसद के मॉनसून सत्र पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम लगातार नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों के MSP पर भी हमने आवाज उठाई है, तेलंगाना के अधिकार को लेकर भी हमने आवाज उठाई है, लेकिन हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये कोई भी ऐसा न्यायसंगत काम करेंगे जिससे नौजवानों, किसानों और तेलंगाना को न्याय मिले। हम लगातार नीट का मुद्दा उठा रहे हैं और आज मणिकम टैगोर ने भी नोटिस दिया है नीट के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। MSP, किसानों के MSP पे भी हमने काफी आवाज आज भी उठाई है और जो तेलंगाना के हक हैं उनके बारे में भी हमने आवाज उठाई है, लेकिन हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई भी ऐसा न्याय संगत काम करेंगे जिससे नौजवानों को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले, तेलंगाना को न्याय मिले। दिल्ली में कावड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर JDU नेता KC त्यागी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, हमें आशंका थी कि इस नियम से समाज बट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेकर इस मामले के लिए मैं आभारी हूं और मैं चाहता हूं कि इस कावड़ यात्रा के पूरे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जो तीर्थ यात्री हैं धार्मिक राहत से सांस मिल सके। मैं सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रिहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जो तीर्थ यात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिल सके।